तो इस कंडीशन में हम इसको चेंज करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीमोस बैटरी को यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो हमारा जो इसमें 5 वोल्ट यूएसबी वगैरह के लिए सप्लाई जाती है, तो ये सप्लाई आती कहाँ से, इस पर 19 वोल्ट आती है आपके कॉमन पॉइंट से, जो हमारा करंट सेंसर रजिस्टर है यहाँ से 19 वोल्ट आ रही है आपकी इनपुट सप्लाई। यही सप्लाई आपके प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पर जाएगी। देखते हैं, ये देखिए प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा। इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है, इसमें हम जो है ना, देखिए हमने अडैप्टर निकाल दिया है, अब यहाँ पर हम अडैप्टर लगाएंगे और अडैप्टर लगाते ही सिस्टम ऑन हो जाता है। देखिए फ़ैन चल गया है, ये किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ये होता है बहुत सारे बोर्ड में होता है। क्या होता है कि अगर आपकी सीमोस बैटरी निकली हुई होगी तो सिस्टम आपका डायरेक्ट इंस्टॉल डायरेक्ट ऑन होगा। अभी अगर डायरेक्ट ऑन हो रहा है, आपके पास कोई लैपटॉप आता है और अगर वो डायरेक्ट ऑन हो रहा है और विदाउट ऑन ऑफ स्विच के, तो आपने इस कंडीशन में सबसे पहले उसकी सीमोस बैटरी देखनी, कहीं वीक या लूज तो नहीं हो गई है। अगर सीमोस बैटरी वीक या लूज है तो इस कंडीशन में हम इसको चेंज करेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीमोस बैटरी को यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो हमारा जो इसमें मेन था वो तो ये आपको बताने का था कि ये सिस्टम डायरेक्ट ऑन हो रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। दूसरा क्या है कि मैं आपको इसमें आज जो बताऊंगा वो 3 to 5 वोल्ट सेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये हमारा एक सेक्शन है 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन, ये हमारे लैपटॉप में 3 और 5 वोल्ट बनाता है। ये 3 और 5 वोल्ट बनाने के लिए ये सेक्शन होता है। यहाँ पर आपके 2 कैपेसिटर, 2 कॉइल और 2 यानी कि टोटल आपको 4 मॉसफेट मिलेंगे। ये सेक्शन मदरबोर्ड में 3 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई बनाएगा। 3 वोल्ट जैसे कि आपकी बायोस वगैरह जो चलती है, बायोस के लिए जाती है, एलडीओ होती है ये, और 5 वोल्ट यूएसबी वगैरह के लिए सप्लाई जाती है। तो ये सप्लाई आती कहाँ से, इस पर 19 वोल्ट आती है आपके कॉमन पॉइंट से, जो हमारा करंट सेंसर रजिस्टर है यहाँ से 19 वोल्ट आएगी इन होगी और उसको ये रेगुलेट करके 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई बना देगा। तो अभी ये किस तरह से बनाएगा वो हम देखते हैं। देखिए ब्लैक वाली वायर को हम किसी भी ग्राउंड से जोड़ देंगे, मल्टीमीटर हमारा ऑलरेडी 20 वोल्ट डीसी पर सेट है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, उन्नीस वोल्ट इनपुट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। इसके इनपुट सप्लाई आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये कैपेसिटर पर सप्लाई इन हो रही है, ये देखिए 19 वोल्ट आ रही है आपकी इनपुट सप्लाई। यही सप्लाई आपके प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पर जाएगी। देखते हैं, ये देखिए प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पर आ गई। और ये प्राइमरी मॉसफेट क्या करेगा, ये सप्लाई को रेगुलेट कर देगा यानी कि कम कर देगा, और कम करने के बाद ये बना देगा, यहाँ पर देखिए कितनी बना रहा है, ये 3 वोल्ट बनाएगा। यहाँ पर ये 3 वोल्ट बन रही है, ये इस कॉइल पे 3 वोल्ट आ रही है। सेम ऐसा ही हमारा होगा दूसरा वाला सर्किट, इन प्राइमरी, और ये इसको रेगुलेट कर देगा, ये यहाँ पे बना देगा 5 वोल्ट। तो ये जो हमारा जो सेक्शन है 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन है, यानी कि यहाँ पर आपको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। अब ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाती है, किस तरह से ट्रैवल करती है, इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। पूरी इसकी जो 3-5 की आईसी होती है उसकी क्या डिटेल होती है, कहाँ से इनेबल आता है, कैसे कैसे ये आईसी वर्क करती है, इसके लिए आपको इस आईसी की पूरी डिटेल बताई जाएगी। डिटेल जो हम सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आईसी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आईसी की डिटेल क्या है, आईसी किस तरह से मॉसफेट को इनेबल भेजती है, आईसी में जो पिनें होती है वो किस तरह से काम करती है। तो 3-5 की आईसी की फुल डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी ये जो हमारा छोटा सा सेक्शन है ये है 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन, और इसमें मैंने आपको एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी बताया कि अगर आपका लैपटॉप डायरेक्ट ऑन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से 3-5 आपको समझ में आया होगा, आई होप। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।